बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंट्रोल शेड ऑफ द ब्रॉयलर। ब्रॉयलर एक ऐसी किस्म की चिकन होती है या मुर्गी होती है जो गोश्त के पर्पस के लिए कमर्शियली यूज होती है। कंट्रोल शेड को इस वजह से कंट्रोल शेड कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को परफेक्टली कंट्रोल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द ब्रॉयलर चिकन्स। अब ये सामने आपको जनरेटर नज़र आ रहा है। जनरेटर इस वजह से क्योंकि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग है तो जनरेटर बैकअप पे हम लोग रखते हैं। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर है और ये सामने आपको कंट्रोल पैनल भी नज़र आ रहा है। बैकअप के लिए ये एक दूसरा जनरेटर भी रखा हुआ है कि अगर अमूमन जो मेन जनरेटर काम नहीं करता है तो ये दूसरा जनरेटर काम आए। सामने ये कंट्रोल पैनल है, इसमें वेरियस बटन्स हैं जो फैंस को कंट्रोल करते हैं, बल्ब को कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ कूलिंग पैड है उसको भी ये कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। ये साथ में आपको सामने बिल्कुल ये कंट्रोलर नज़र आ रहा है। कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली फीड की हुई होती है तो ये पूरा ऑटोमेटिकली रन करता है। जस्ट इसको देखना पड़ता है, बाकी पूरा का पूरा जो उस प्रोग्राम के अंदर फीड किया हुआ है उस तरीके से ये पूरा काम करेगा। कंट्रोल शेड की जो विड्थ होती है वो अमूमन 41 फीट होती है आइडियल। एवरेज अगर मैं बात करूं तो 40 से 45 फीट इसकी विड्थ होती है। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 450 फीट इसकी लेंथ होती है टोटल। और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो 10 से 12 फीट इसकी हाइट होती है। सामने आपको ये बल्ब नज़र आ रहे हैं, ये बल्ब लाइट का काम करते हैं, ये भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। जब चूज़े नए आते हैं तब 24 आवर्स ये बल्ब ऑन होते हैं और फिर सेकेंड दिन, थर्ड दिन हर एक घंटा कम होता जाता है। सेकेंड डे पे 23 घंटे, थर्ड डे पे 22 घंटे, ऐसे कर करके इसको 20 आवर्स तक हम लोग लाइट को रखते हैं ब्रॉयलर के फ्लॉक के लिए। अगर मज़ीद मैं अभी बात करूं, ये सामने आपको फीडर नज़र आ रहा है। फीडर के अंदर ऑटोमेटिकली फीड आता है, ये चूज़े मज़े से इस फीड को खाते हैं। ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है, बाहर से बोरियां हम लोग डालते हैं और ऑटोमेटिकली इन चूज़ों को ये खाना मिलता है। खाना अमूमन दो टाइम होता है, सुबह शाम। कुछ कुछ सुपरवाइज़र क्या करते हैं, तीन टाइम ब्रॉयलर को खाना देते हैं। ये ड्रिंकर है, ये भी ऑटोमेटिकली है। इस पर जब ये चूज़ा जब इसको पिंच करेगा तो ऑटोमेटिकली उस छोटी सी कैसेट के अंदर पानी जमा होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो पानी का ज़ाया भी ज़्यादा नहीं होगा और ये चूज़े मज़े से पानी पियेंगे। अब ये नीचे आपको जो नज़र आ रहा है ये लिटर है। लिटर अमूमन राइस हस्का या वीट हस्का होता है या जो लकड़ी होती है उसका जो छिलका होता है उसका हम लोग बनाते हैं। लीटर की जो डेप्थ होती है वो 2 से 3 इंच होनी चाहिए और ये कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि चूज़े मज़े से इसके ऊपर चल सकें और उनको तकलीफ़ वगैरह ना हो। सामने ये आपको फैन नज़र आ रहे हैं, ऊपर ये छत कंक्रीट की बनी हुई है। सामने आपको ब्रूडर नज़र आ रहा है। ब्रूडर का काम ये होता है शुरू के 2 से 3 हफ्ते चूज़े अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, उनका हाइपोथैलेमस डेवलप नहीं किया होता, तो ये ब्रूडर क्या काम करता है, हीट पैदा करता है और ये हीट ये चूज़े एब्जॉर्ब करते हैं। 3 हफ्ते बाद हाइपोथैलेमस इन चूज़ों का डेवलप हो जाता है, ये खुद ब खुद अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है वो भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है कंट्रोल पैनल से, जिसको हीट इंडेक्स कहते हैं। हीट इंडेक्स एक कलेक्टिव टर्म यूज़ होती है ह्यूमिडिटी एज वेल एज टेम्परेचर के लिए। शुरू में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसको 24 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। और जो ह्यूमिडिटी की बात करूं तो शुरू में 53% होती है और आखिरकार ये 65 से 75% होती है। इसके साथ साथ अगर मज़ीद में बात करूं तो ये सामने आपको फ़ैन नज़र आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, नेगेटिव स्टैटिक प्रेशर जनरेट करते हैं। जो क्या करते हैं, अंदर से
गर्म हवा को बाहर खींचते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल वेंट लगी होती है या इनलेट्स लगे हुए होते हैं जो क्या करते हैं ठंडी हवा को शेड के अंदर भेजते हैं, तो ये वेंटिलेशन का सारा काम करती है। जहाँ से ये फीड को हम लोग देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उन फीडर के अंदर जाके जमा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि ये पार्ट वन है ब्रॉयलर शेड का, और मज़ीद आगे दूसरी वीडियोस बनेगी फीडिंग मैनेजमेंट पे, ड्रिंकिंग मैनेजमेंट पे, वैक्सीन पे, मेडिसिन पे, जो टीम होती है टीम के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट पे, सुपरवाइज़र किस तरीके से इसको कंट्रोल करता है, और आखिर में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी कंट्रोल शेड की कि ये सारी चीज़ें कितने की आती है, खर्चा कितना है फीड का, ड्रिंकिंग वाटर का, मेडिसन्स का, सुपरवाइजर्स का और जो साथ लेबर होते हैं उनका। तो ये सारा 5 वीडियोस का पैकेज है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़